गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड लेसन टू द मैज़िक गार्डन ओके हम लोगों ने अर्लियर अभी पढ़ा था लेसन टू मैज़िक गार्डन हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी ठीक है और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका तो सबसे पहले हमारा आता है रीडिंग इज़ फन के सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि जो फ्लार्स थे वो बच्चों को क्यों पसंद करते थे बिकॉज दे वॉटर देयर थर्स्टी रूट्स तो हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे दैट द फ्लार्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन बिकॉज दे वाटर देअर थर्स्टी रूट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रेन कि जो बर्ड्स थी वो बच्चों को क्यों प्यार करती थी सब जितनी भी बर्ड्स थी तो आंसर हो जाएगा इसका द बर्ड्स लव द चिल्ड्रेन बिकॉज दे गिव दम ब्रेड बर्ड्स बच्चों से इसलिए प्यार करती थी क्योंकि बच्चे उनके लिए ब्रेड लेकर आते थे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैज़िक गार्डन हमें उन पांच फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो उस मैज़िक गार्डन में थे तो पहला हो जाएगा पॉपीज़ फिर है पैंसीज रोजेज मैरी गोल्ड्स एंड सन फ्लावर्स क्वेश्चन फोर्थ है वॉट सांग्स कुड द चिल्ड्रेन हेयर इन द गार्डन कि बच्चे उस गार्डन में किस तरह की आवाज़ें सुना करते थे तो बच्चे वहाँ पर सुनते थे फेरीज के गाने की आवाज़ तो आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रेन कूड हेयर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज इन द गार्डन फेरीज मतलब होता है पढ़िया ठीक है फिर हमारा क्वेश्चन आता है टॉक टाइम का रोजेज यहाँ पे एक पोएम है आपको छोटा सा आई लाइक रोजेज मोस्ट रोजेज़ आर रेड सम आर व्हाइट सम आर येलो आर दिज ब्ल्यू रोजेज़ आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज़ विच वन इज़ योर फेवरेट फ्लावर ठीक है तो आपको अपने फेवरेट फ्लावर का नाम बताना है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका फेवरेट हो तो यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है सन फ्लावर ठीक है आप अप अपनी पसंद की फ्लावर का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं टीम टाइम है आपको यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है सारे बच्चों को ठीक है सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक स्क्रैप बुक ले लेना है पतली सी एक बुक बना मतलब कॉपी ले लेनी है आपको एक पतली सी ठीक है फिर आपको फाइव फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं पांच तरह के फूल को जमा करना है देन पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक उसके बाद आपको क्या करना है कि उन फ्लावर्स को बुक के पेजेस में पुरानी किसी किताब में डाल करके छोड़ देना है प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक लिव इट फॉर सम डेज उसके बाद क्या करना है उस बुक के ऊपर से आपको दो चार भारी किताबें रख देनी है और कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है स्टिक द प्रेस फ्लास केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक उसके बाद आपको अपने स्क्रैप बुक में उन जो फ्लास आपने पहले बुक में रखी थी सबको निकाल करके जो बिल्कुल ही चिपक गया होगा सूख गया होगा उसे अपने स्क्रैप बुक में चिपकाना है और उन फ्लास के नाम को नीचे में लिखना है राइट द नेम ऑफ इच फ्लॉर विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन डिसप्ले इन द क्लास तो क्लास तो आपकी चल नहीं रही है तो आप ऑनलाइन क्लास में इसको दिखा सकते हैं ठीक है और आपको सारे बच्चों को ये स्क्रैप बुक वाली एक्टिविटी करनी है ओके नाउ पेज नंबर एट में आपका वर्ड बिल्डिंग नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन आपकी बुक में वहाँ पे एक फ्लावर जैसे बना होगा उसमें पेटल्स बने होंगे उसमें आपको जैसे इंसेक्ट है तो टू इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे यू हैव टू मैंशन द नेम ऑफ टू इंसेक्ट्स नेम ऑफ टू ट्रीज़ नेम ऑफ टू बर्थ लाइक दिस ओके तो यहाँ पर आंसर में मैंने लिख दिया है लेडीबर्ग बिटल फ्लाइज इंसेक्ट्स में आ जाएंगे ये सब ट्रीज़ में मैंगो पपाया एप्पल बर्ड्स में टोकू तो क्रो स्पेरो पैरट पिजन टूल्स में साव हैमर फाइल लैडर रेंच और फ्लास में रोज मेरीगोल्ड टूलिप आपको दो ही लिखना है ठीक है उसके बाद पेज नंबर नाइन में है लेट्स राइट इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन आपको ये सोचना है आपको कल्पना करनी है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा गार्डन है वॉट वुड इट लुक लाइक तो वो कैसा दिखेगा आपको इमेजिन करना है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा गार्डन है तो वो कैसा दिखेगा ड्रॉ अ पिक्चर है आपको वो उसकी पिक्चर बनानी है अगर आपके पास कोई गार्डन है तो इमेजिन करके ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू वट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन आप अपने गार्डन में क्या उगाना चाहेंगे राइट थ्री सेंटेंसेस गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन तो आपको इस तरह से लिखना है garden, like Point इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो लोटस या कोई और फ्लावर मेरी गोल्ड सन फ्लावर एनीथिंग लाइक दिस इन माई गार्डन आई लाइक टू आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेज इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सन फ्लावर तो एज यू विश जो आप लिखना चाहें जिस फ्लावर के नाम आप लिख सकते हैं इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर वाला लेसन कंप्लीट हो गया है एंड यू है और आपको क्या करना है कि रिमेंबर कर लेना है जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आपको रिमेंबर करते जाना है ठीक है तो फिर नेक्स्ट लेसन की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोएम स्टोरी जो भी होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ चुटिल तो दें बाय